हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। जैसा कि हमने अभी आपको जानकारी दी, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन नंबर 12 के बाद पिटीशन नंबर 14 को ले लिया गया है। सुशांत सिंह राजपूत मामला पिटीशन नंबर 13 था। अंकित जुड़े हुए हैं राजकिशोर हमारे साथ। बिल्कुल अंकित, सीधा सवाल, क्या सुनवाई अगर ज्यादा तफसील से होती है तो क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला, ये जरूरी नहीं कि आज ही आए या आज ही इस पर फैसला आएगा, इस पर कुछ बता सकते हैं क्या आप? राजकिशोर जी, जब भी मामले की सुनवाई लंबी होती है तो सुप्रीम कोर्ट उस मामले में अगर कोई भी आदेश देता है तो उसका विस्तृत आदेश लिखवाया जाता है। तो अगर सुनवाई लंबी खिंचती है तो हो सकता है कि आदेश दोपहर में 2 बजे के बाद आए या फिर अगले जो है 1-2 दिनों के दौरान आए। लेकिन जिस तरीके से मांग की जा रही है और सीबीआई ने मामले की जांच शुरू कर दी है, तो जो रिया के जो वकील हैं उनका यही मानना है कि आज ही इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट को कोई आदेश देना चाहिए। वहीं जो बिहार सरकार है या महाराष्ट्र सरकार है या सुशांत के परिवार के वकील है, वो सब अपना पक्ष रखने के लिए अपनी दलीलें रखना चाहते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अंकित इस पूरी जानकारी के लिए। तो फिलहाल मुझे और राजकिशोर को दीजिए एबीपी रिपोर्टर में इजाजत।